गाइज वेलकम ऑन मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आपके अपने चैनल मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। आजकल हमने सीरीज शुरू कर रखी है पोल खोल, और ये सीरीज है पोल्यूशन के ऊपर, और इस रिसर्च का हमारा बेसिक पार्ट है वाटर पोल्यूशन। ये हमारे तीन चैनल है, एडो टेक्नो मित्रा, एम जे मित्रा, एडोला मित्रा। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, उस वीडियो को देख लेना। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हमने आप लोगों को पहली वीडियो में भी बताया, जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन तीन तरह का है। एक तो है एयर पोल्यूशन, और दूसरा है नॉइस पोल्यूशन, और तीसरा है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर जो है एक बेसिक नीड है हर ह्यूमन बीइंग्स के लिए और हर प्राणी के लिए, एवन पेड़ पौधों के लिए भी वाटर एक बेसिक नीड है, और ये वाटर क्लीन और पोर्टेबल होना चाहिए। ये हमारे राइट टू लाइफ उससे भी जुड़ा हुआ है, जो एक फंडामेंटल राइट है, और हमारे आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें मेंशन है। और आर्टिकल जो 2 है, और ये एक आर्टिकल 2 है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये एक यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया हैज रेटिफाइड द सेम। जो हमारी ये रिसर्च है वाटर पोल्यूशन बेस्ड है, और जिसको कंट्रोल करता है HSPCB, जिसको आप हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से जानते, लेकिन मैं इसको हाई स्टैंडर्ड पब्लिक करप्शन ब्यूरो के नाम से मैं इसको कोट करता हूँ, क्योंकि ये सबसे करप्ट डिपार्टमेंट। आइए हम अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसर्च ऑन राइट टू लाइफ। जो वाटर जो है, वाटर आपकी एक बेसिक नीड है, और इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए ये राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। सभी को, चाहे प्राणी हो या चाहे पेड़ पौधे हो या चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, सबको जो है ना क्लीन और पोर्टेबल वाटर चाहिए, तभी उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, तभी वो फुल लाइफ कर पाएंगे और पूरा ग्रो कर पाएंगे। अब हमारा ये जो राइट टू लाइफ है, व्हाट इज राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का काफी बड़ा स्कोप है। मैं आगे अगली क्लास में इस पूरे स्कोप को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बेसिकली ये दो चीज ले रहा हूं मैं। अब आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दस आर्टिकल 21 सिक्योर्स टू राइट्स। इसके हिसाब से जो ये आर्टिकल है, बेसिकली टू राइट्स तो ये सिक्योर कर ही रहा है। नंबर वन, राइट टू लिव विद डिग्निटी। अगर डिग्निटी के साथ आपकी लाइफ नहीं है, तो भी आपका राइट टू लाइफ जो ना अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और डिग्निटी के लिए आपको सम्मान पूर्वक क्लीन वाटर मिलना चाहिए, और आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और दूसरा राइट है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है, इसके दो पार्ट है, जो ऊपर डेफिनेशन में भी दिया हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था 1935 में, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्टिकल 21 को एस्टेब्लिश कराने के लिए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये प्रोसीजर भी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसका मिसयूज करता है हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और फेक कंप्लेंट्स डालता है। जो इनको पैसे नहीं देते उनके खिलाफ ये फेक कंप्लेंट डाल देते। आर्टिकल 21 कम्स अंडर द पार्ट 3। ये पार्ट 3 का हिस्सा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटी टू ऑल। ये सभी सिटीजंस को जो है ना गारंटीड, एवं जो फॉरनर है उनको भी गारंटीड। इन दिस आर्टिकल वी शैल डिस्कस वेरियस राइट्स एंड लिबर्टीज दैट आर पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये रिसर्च का एक्सट्रैक्ट है। अगली क्लास में इसका पूरा स्कोप आपको बताएंगे, और इसके ऊपर क्या क्या जजमेंट रूलिंग आई है वो भी बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है लाख स्टूडेंट्स के लिए, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एवं जनरल पब्लिक के लिए। ये उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, कुछ हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लड़के हैं, वो इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ पर आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर पीडीएफ की डिमांड करेंगे, हम पीडीएफ भी डाल देंगे। हमारे चैनल पे कमेंट्स कर देना,
हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ये आर्टिकल 2 है आपका, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि आर्टिकल ह्यूमन राइट्स एक्ट है, उसका आर्टिकल 2 भी आल्सो प्रोटेक्ट्स योर राइट टू लाइफ। एवं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी ये वर्ल्ड वाइड है, यूएनओ ने करी, उसमें भी जो है आपका राइट टू लाइफ प्रोटेक्टेड। दिस मीन्स दैट नो बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट कैन ट्राई टू एंड योर लाइफ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को या किसी भी गवर्नमेंट को आपके राइट टू लाइफ को एंड करने का अधिकार नहीं है। इट आल्सो मीन्स द गवर्नमेंट शुड टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू सेफगार्ड लाइफ, यानी टू सेफगार्ड लाइफ। इस वर्ड का बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, यानी आपको क्लीन और पोर्टेबल वाटर दिया जाएगा, और आप जो खेतों में फसल बोते हैं उनके लिए भी उसके एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड का पानी दिया जाएगा, ताकि जो आपकी फूड ग्रेन्स है वो पोल्यूटेड ना हो, कंटेमिनेटेड ना हो। लास्ट टू प्रोटेक्ट यू एंड इन सम सर्कमस्टांसेस बाय टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट यू इफ योर लाइफ इज एट रिस्क। आपकी लाइफ अगर रिस्क पे है तो भी आपको प्रोटेक्ट करेगी गवर्नमेंट। लेकिन आजकल आप देख रहे हो कहीं की तरह कहीं रिवॉल्वर से कहीं कैसे लोगों को मार देते हैं, किसी तरह का जो ना कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जबकि पब्लिक काफी टैक्सेस गवर्नमेंट को देती है। उसके बाद भी आजकल एक नारा चल रहा है सरतन से जुदा, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। अब जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं शुड आल्सो कंसीडर योर राइट, पब्लिक अथॉरिटीज को कंसीडर करना चाहिए टू यू कंसीडर योर राइट टू लाइफ व्हेन मेकिंग डिसीजन, जब वो कोई भी डिसीजन ले तो राइट टू लाइफ को ध्यान में करके ले। That might put you in danger. कोई ऐसा decision ना ले जो आपको danger में डाल। That affect your life expectancy. Next sheet करते हैं। इसका मैंने हिंदी में translation कर दिया है ताकि हिंदी वाले student जो हिंदी medium है English को understand ना कर सके वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। Next sheet. अब इस sheet पे मैं discuss करूँगा कि environment to live with dignity. इसका ये मतलब है कोई भी अधिकारी है यानी ऑफिसर, उसके खिलाफ जो है ना फेक कंप्लेंट ना डाली जाए। फेक कंप्लेंट जो राजनीति से प्रेरित हो या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पैसे ना दिए हो और उनको फंसाने के लिए फेक कंप्लेंट ना डाली, और आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए यानी पोल्यूशन फ्री, ताकि आपकी जो है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। और इसको आप कैसे रोक सकते हो? इंडिविजुअल पर्सन के लिए स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल है। हम कह देते हैं अमेरिका में रूल रेगुलेशन अच्छा, इंग्लैंड में रूल रेगुलेशन अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह बाहर की कंट्रीज का करते हैं, वहाँ लोगों को राइट कैसे मिलेंगे? वहाँ उन कंट्रियों में लोगों ने सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं और वे जो है लोगों की राइट के लिए फाइट करते हैं। अब हमारे को तो यहाँ पॉलिटिशियन ने जो है ना कास्ट के बेस पे, रिलीजियन के बेस पे और पॉलिटिक्स के बेस पे और एरिया के बेस पे हमारे को पूरी तरह डिवाइड कर रखा है, और हम आपस में लड़ते रहते हैं, हमें राइट्स का कोई ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए जो है ना हम लोगों को एक एज ए यूनाइट, आप कोई भी गेम खेलते हो ताश का, उस पे इक्का, इक्का का मतलब एकता, वो सबसे भारी पड़ता है। इसलिए लोगों की यूनिटी जो है ना, लोग अपना मतभेद भुला के यूनाइटेड होके अपने फंडामेंटल राइट्स के लड़े तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है। और अगर आप सिविल सोसाइटीज बनाते हो, कोई भी डिपार्टमेंट आपसे पैसे नहीं ले सकता काम करने के लिए, सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन जो है आप लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और आपके काम होंगे फटाफट, कोई भी डिपार्टमेंट आपको हैरेस नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए, एक शहर का एक बना दिया जाए, नहीं सेक्टर वाइज बना दिया जाए, तभी हम लड़ सकते हैं। अब नहीं तो ये अपना HSPCB भी तो नोट छापने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, इसको कोई वो नहीं है पोल्यूशन कंट्रोल से, वो ये नहीं देख रहे कि आपकी जनरेशन भी आएंगी, नेताओं की जनरेशन है, जजेज की जनरेशन है, सभी आम जन है, जितने भी सबकी जनरेशन पे ये पानी तो सबने पीना भाई, सब पे इफेक्ट होगा। इसलिए सब यूनाइटेड होके इसको प्रोटेक्ट करें। अब गंगा या जमुना को साफ करने से कुछ नहीं होगा जब तक जो काज है आपका, जो काज है या रूट है जो पोल्यूशन का, वो ही नहीं खत्म होगा जब तक इंडस्ट्रीज अपने प्लांट नहीं चलाएंगी और वाटर को प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करके सरकारी डिपार्टमेंट्स के प्लांट को नहीं देंगी, तब तो उसका जो फाइनल ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो प्लांट तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि इंडस्ट्रीज डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इफ्लुएंट वाटर की, इसलिए वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार
इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उसको प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीटमेंट है उन पे लेके आए और जो स्टैंडर्ड है पब्लिक सीवर में डालने के उस लेवल तक ट्रीटमेंट करके दे डिपार्टमेंट को, उसके बाद डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है और उसी के बाद जो है ना डिपार्टमेंट के जो अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है या कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है तभी वो अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा। अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर कोर्ट का डंडा पड़ता है, वो भाई कंप्लेंट डाल देता है कोर्ट में, तो किसी अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट बना के एक सैंपल फेल किया अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट बना दी कोर्ट में डाल दी, उससे वो पोल्यूशन जो है ना कंट्रोल थोड़ी हो गया, वो कहाँ प्रिवेंशन किया कहाँ क्रिएशन किया। मैं तो गवर्नमेंटों को कहता हूँ कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दे दिए जाए सारे प्लांट, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपना एसटीपी या सीईटीपी बनाए और उसको चलाने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दे दे, तब इनको पता चलेगा प्लांट कैसे चलता है। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्योंकि जब वाटर बेस्ड रिसर्च है तो जरूरी है कि व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, हमारे को पता होना चाहिए वाटर पोल्यूशन का है। आप लोगों ने क्या कर रखा है, घर घर आरओ लगा रखे हैं पानी को ट्रीट करने के लिए, सरकार ट्रीट देगी आपको भाई, फंडामेंटल राइट है आपका, पोर्टेबल वाटर देगी पीने लायक। जब सरकार ने आपको ट्रीट करके देना क्लीन और पोर्टेबल वाटर देना, आप क्यों आरओ पैसे खर्च करते हो, आप अपने घर से सैंपल उठवाओ टेस्ट करवाओ। ये काम जो है ना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बेटर कर सकते हैं, उससे जो है ना यूनाइटेड फाइट होगी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर प्रेशर पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप WHO कहते हो सेज दैट पोल्यूटेड वाटर इज वाटर हूज कंपोजिशन has been changed to the extent that it is unusable. आप इसको यूज नहीं कर सकते। In other words, it is toxic water that cannot be drunk or used for essential purposes like agriculture and which also causes disease. जो disease पैदा करेगा और agriculture के लिए fit नहीं रहेगा polluted water और वहाँ food grains में भी आपका pollution का असर आ जाएगा और ये causes disease. डायहरिया, कॉलरा, डायसेंट्री, टाइफाइड एंड पोलियोमाइलिटिस दैट किल मोर देन 5 लाख पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। जो वाटर बोरन डिसीज है उससे 5 लाख लोग पूरी दुनिया में हर साल मरते हैं। जब इतने बड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन बने पड़े हैं, हरियाणा हर स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अब तो NGT को भी लगा दिया, तो फैक्ट्रियों पे क्यों नहीं प्रेशर पड़ रहा, क्यों नहीं वो अपने प्लांट सही चलाते हैं और क्यों नहीं वो ऑनलाइन स्काडा वगैरह इंस्टॉल करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉनिटर करने के लिए। डिपार्टमेंट के प्लांट पे तो पूरा प्रेशर रहता है ऑनलाइन सिस्टम लगाओ, और ऑनलाइन सिस्टम लगाने के बाद प्लांट पैरामीटर ठीक भेज रहा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में, फिर वो हर महीने सैंपल क्यों उठाते हैं, क्योंकि हर महीने सैंपल नहीं उठाएंगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये आगे है इसकी डेफिनेशन, द मेन वाटर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, फर्टिलाइजर भी होते हैं और पेस्टिसाइड्स जो कि फसलों में डालते हैं कीटनाशक, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी होते हैं क्योंकि जो अस्पताल से आता है नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, प्लास्टिक्स, फेकल वेस्ट एंड इवन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं। इंडिया के कई पार्ट्स में तो इतना बुरा हाल हो गया, फ्लोराइड इतनी मात्रा में हो गया है कि लोगों को लकवा मार गया और लोग जो है ना अपाहिज पैदा हो रहे हैं, तब भी गवर्नमेंट वहां पर कोई ध्यान नहीं दे रही, और वो इसी कारण होता है कि वहां का स्टेट बोर्ड जो है ना कुछ नहीं कर रहा है। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देते हैं, वो अनट्रीटेड है, वो उसके बाद पोल्यूटेड कर देता है सबसॉइल वाटर को यानी अंडरग्राउंड वाटर को, और लोग सबमर्सिबल वगैरह और हैंडपंप वगैरह वाटर क्राइसिस में लगा के उसी पानी को यूज करते हैं। कौन टेस्ट कराता है इसमें कितना फ्लोराइड है, फ्लोराइड तो हड्डियों गला देता है। दीज सब्सटेंसेस डू नॉट ऑलवेज चेंज द कलर ऑफ द वाटर, ये सब्सटेंसेस कई बार कलर को चेंज नहीं करते हैं, आपको देखने में वो क्लीन लगेगा लेकिन उसके अंदर ये सब्सटेंसेस होते हैं, वो लेबोरेटरी में टेस्ट कराओगे तब पता लगेगा, मीनिंग दैट दे आर ऑफन इनविजिबल, आपको दिखाई नहीं देंगे ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं। दैट इज व्हाई स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर टेस्टेड टू डिटरमाइन वाटर क्वालिटी, इसीलिए वाटर को आपका जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके भी टेस्ट होते हैं और उसकी भी एक लिमिट है, उसी लिमिट में घरों में पानी आना चाहिए। और ऐसे ही इफ्लुएंट है
कई जगह तो पानी का इतना क्राइसिस हो गया है कि आपके ट्रीटेड जो सीवर का ट्रीटेड वाटर है उसको मिला के सप्लाई में दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि सिविल सोसाइटीज बनाई जाएं और सोसाइटीज फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़े हैं, जो बेसिक नीड है क्लीन एयर क्लीन वाटर और जो नॉइस पोल्यूशन है वो तो कुछ हद तक हमारे भी हाथ में है। हम भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ना कि दूसरे सेक्टर को सुनाने के लिए इतनी तेज आवाज कर देते हैं। शादी ब्याह समारोह में भी इतना तेज डीजे बजता है। अब पूजा पाठ हम कर रहे हैं घर में तो हमें अपना इतना उसका वॉल्यूम रखे ना कि उसको सुने। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जितनी भी आवाज किसी भी चीज से, कोई व्हीकल है या इंसान है या कोई पशु है, वो निकलती वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सारे के सारे अंतरिक्ष में वो घूमती रहती है साउंड तरंगों के रूप में। और कई बार आप कहते हो भूत प्रेत आ गया, वो कुछ नहीं होता है, किसी मरे हुए आदमी की आवाजें होती है, वो जो हम दिमाग के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है और उसकी आवाज में बोलने लगते हैं। तो हम अभी वाटर के ऊपर ही फोकस रखेंगे और ये उसका जो है हिंदी में ट्रांसलेशन है कि वाटर पोल्यूशन क्या है, और हिंदी वाले बच्चे यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। लीगल और नॉन लीगल ये सभी आदमियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आगे ऐसी 6-7 वीडियो और आएंगी, इन सबको ध्यान से देखें। पूरी रिसर्च है और एक्सपर्ट सिविल इंजीनियरिंग के उनसे डिस्कस करके बनाए। अब हम काजेज डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन की मेन काजेज क्या है। मेन काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, इट इज समटाइम्स कॉज्ड बाय नेचर, कई बार ये नेचर से भी हो जाता है, कुदरत से हो जाता है, सच एज व्हेन मर्करी फिल्टर्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जो जमीन की लेयर है उनसे भी कई बार मर्करी फिल्टर्स होके आ जाता है, और पोल्यूटिंग ओशियंस रिवर्स लेक्स कैनाल्स एंड रिजर्वायर। हाउएवर द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ द पुअर क्वालिटी वाटर इज ह्यूमन एक्टिव, जो मोस्ट है कॉमन काजेज है तो एक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता होगा जरूर, इसलिए मैंने बता दिया। वाटर ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स ए कॉन्सिक्वेंस, इंसान की एक्टिविटी है वो जो है ना पानी को जहर बना रही है। फैक्ट्री वाले ट्रीट करते नहीं, अंडरग्राउंड रिचार्ज कर देते हैं अनट्रीटेड को, वहां अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड हो जाता है क्वालिटी, और फिर उसी को हम जब क्राइसिस होते हैं समर सीजन में हम सबमर्सिबल लगा के टेस्ट की लैब से करवाते हैं, नहीं यूज करते रहते हैं, इसलिए लोगों की हड्डियां जो है बिल्कुल कमजोर हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्लोराइड वगैरह इन्वेंटेड पोल्यूटेंट केमिकल्स उसमें होते हैं। व्हिच वी विल नाउ गो ऑन टू एक्सप्लेन, ये काजेज हैं अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक तो है ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, क्योंकि इतनी इंडस्ट्रीज लगा दी गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, अमोनिया गैस छोड़ती है और कई तरह का पोल्यूशन स्मॉग छोड़ती है, उससे जो है ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो आपके ग्लेशियर हैं जो पहाड़ों को पिघल रहे हैं, वो फ्लड वगैरह का काजेज बन जाएंगे और सारे ग्लेशियर पिघल के समुन्द्र के अंदर पानी आ जाएगा जो कि खारा हो जाएगा, एग्जॉस्टिंग ऑफ सोर्सेज हो रहा है। दूसरा राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्लोबल टेम्परेचर को भी बढ़ा रही है और CO2 emissions है जो कि वाटर को हीट कर रहा है, रिड्यूसिंग इट्स ऑक्सीजन कंटेंट, और उसके ऑक्सीजन कंटेंट आपका जो पानी होता है शरीर में ब्लड होता है उसके अंदर 70% वाटर होता है और उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इंसान मर जाता है, देखा होगा आपने इसमें कोरोना के टाइम में गैस सिलेंडर लोगों को लगाने लगे, सफोकेशन हो गई थी सांस लेने में, तो ये ऑक्सीजन को भी कम करता है पानी में, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की तरफ सरकारों को ध्यान देना चाहिए, इसको कंट्रोल करें। हम जो है ना अगला काज ये हिंदी में मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ समझ सकें इसको, और अगला है डीफॉरेस्ट्रेशन, ये दो बार आ गया है डीफॉरेस्ट्रेशन। हम डेवलपमेंट के चक्कर में अंधाधुंध पेड़ों को काट रहे हैं, इवन जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके घर के आगे एक स्पेस होता है 5-6 फुट ब्रह्म होता है, उसको भी पक्का कर देते हैं। भाइयों उसको जो है ना वहां पर 2-3 पेड़ लगाओ, आपके घर वालों को ऑक्सीजन देंगे, उसको पक्का मत करो। मेरे घर के आगे 5 पेड़ हैं और 3 मंजिल तक बढ़े हुए हैं, फ्रेश एयर मिलती है, इसलिए जो है ना फेलिंग फॉरेस्ट कैन एडजस्ट वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज है जो फॉरेस्ट्रेशन है वो जो बहता पानी आता है रेनी सीजन में या बर्फ पिघल के आता है उसको रोकता था, वहां कंट्रोल करता था, वहां नहीं जाने देता था समुद्रों में नालों में, इसलिए जो है ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं एंड जेनरेट ऑर्गेनिक रेसिड्यू, जो ऑर्गेनिक रेसिड्यू है उसको जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं रोक पा रहे, वो सारा सीधा नदियों में समुद्रों में जा रहे हैं।
विच बिकम्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया क्रिएट हो रहे हैं। और तीसरा है इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक फार्म, जो आपकी इंडस्ट्री है ये सबसे ज्यादा 75% से 80% ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वाले प्लांट तो लगाते हैं, प्लांट नहीं चलाते। एक प्लांट को चलाने के लिए 5 से 15 लाख का खर्च आता है, अपने 20-25 हजार पोल्यूशन वाला बोल लेके अपनी रिपोर्ट लेते रहते हैं, ठीक चल रहा है, यह सिस्टम चल रहा है। वो ये नहीं देख रहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले कि उनकी जनरेशन भी आनी है, उन्होंने इसी हवा पानी को साइन करना है, जो हमारे कोर्ट है या जो नेता लोग हैं उन्होंने भी इसी हवा पानी में रहना है। इसलिए हमें जो है ना वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए और इसे रिड्यूस करने की हर लेवल पर कोशिश करनी चाहिए। अब केमिकल डंपिंग फ्रॉम दीज सेक्टर्स, इन सेक्टरों से जो केमिकल डंपिंग आती है इज वन ऑफ द मेन काजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर। ये एक तरह का पोल्यूशन है यूट्रोफिकेशन, और इससे भी काफी कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब रबिश एंड फेकल वाटर क्या होता है, जो फैक्ट्री वाले हैं इसको कहीं भी पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं। अब सांपला के आसपास जाना, यहाँ पे काफी कत्था की फैक्ट्रियां लगी हुई, सारा पानी जो है ना वो ओपन में जमीन में छोड़ रखा है, वो नीचे परकोलेट हो रहा है और ग्राउंड वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। द यूएन सेज दैट मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड सीवेज फाइंड इट्स वे इनटू सीज एंड रिवर्स। अब बताओ, ये तो यूएन की रिपोर्ट है कि 80% अनट्रीटेड एफ्लुएंट नदियों में जा रहा है, समुद्रों में जा रहा है। आप पहले काज है, रूट है, उसको ट्रीट करो, उसके बाद गंगा जमुना की सफाई की बात करना। क्योंकि जब तक आप एक चीज सुन लो, एक पेशेंट है शुगर का, वो चीनी खानी बंद नहीं करेगा, ट्रीटमेंट करेगा वो, कुछ फायदा नहीं होगा। तो पहले काज का, रूट का जो है ना वो होना चाहिए इलाज। फैक्ट्री वालों पे प्रेशर बने, अनट्रीटेड वाटर में ओपन में ना फेंके, वो भी इंसान है, वो भी यही पानी पी रहे हैं, उनको भी खुद सोचना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इसको प्राइमरी ट्रीट करके शिवर में डालें और आगे फिर सरकारी प्लांट उसको ट्रीट कर देगा, फाइनल ट्रीटमेंट हो जाएगा, आगे वाटर क्राइसिस बहुत होने वाला दुनिया में। ये मैंने उसका तीनों पॉइंट्स का हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है हमारा मैरीटाइम ट्रैफिक, जो आपका समुद्री परिवहन है। समुद्री परिवहन है ये भी एक सोर्स है, वहां जो अपने बड़े बड़े जहाज घूम रहे हैं, मछुआरों की नाव घूम रही है, या और कोई ट्रांसपोर्टेशन का जो जहाज घूम रहा है, या मिलिट्री के जहाज घूम रहे हैं, मच ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन इन द ओशियन कम्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। जो अपनी फिशिंग बोट है, मछली पकड़ने वाली, जो मछुआरे जाते हैं वो पानी की बोतलें लेके जाते हैं प्लास्टिक की, और दूसरा कोई खाने का सामान प्लास्टिक का लेके जाते हैं, वो खा के वहीं पर फेंक देते हैं। टैंकर, जो तेल के टैंकर चलते हैं उसमें, और कार्गो शिपिंग है, जो अपने जा जाते हैं पानी के सामान लेके एक देश से दूसरे देश में, उसमें भी जो अपना जितना कचरा क्रिएट होता है, प्लास्टिक की बोतलें और दूसरे खाने की पैकिंग वैकिंग सब समुद्र में फेंक देती है। आपने देखा होगा जो ये अपना ज्वार भाटा आता है समुद्र में, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, ये सारी चीजें वहां से बह के समुद्र के किनारे पे आ जाती है और वहां ढेर लग जाता है प्लास्टिक। कई बार ये नेताओं लोगों ने को भी देखा होगा, हम सफाई कर रहे हैं वहां जाके, पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। और आगे है फ्यूल स्पिलेज, जो आपके तेल के जहाज आते हैं, टैंकर आते हैं, उससे जो है ना आपका फ्यूल लीक हो जाता है, उससे भी फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जो सी अपना सिस्टम है इसका, जीव जंतु वगैरह वहां है, उसको भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ ऑयल and its derivatives is subject to leakage that pollutes our water resources. अगर सभी संस्थाएं, इंडिविजुअल लोग और ये अपने बड़े बड़े पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना रखे हैं, ये सीरियसली होके वाटर ट्रीटमेंट की तरफ फोकस नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है ना कैजुअलिटी वाटर पोल्यूशन से होने लगेगी, लोग अपाइज होने लगेंगे, लकवा लगने लगेगा। ये इन दोनों पॉइंट्स का हिंदी में ट्रांसलेशन है, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ सकते। अब इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स तो मैंने बता दिए कि वाटर पोल्यूशन कहां से काज होता है, अब उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो डिटेरियोरेटिंग वाटर क्वालिटी को खराब करेगा। इट इज डैमेजिंग दैट एनवायरनमेंट हेल्थ कंडीशन एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को भी इवन ये डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि बीमारियां ज्यादा होंगी, मेडिसिन ज्यादा होंगी,
इससे भी फिर ये ग्लोबल इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, उसने वार्निंग दी थी, वायरस ऑफ द इकोनॉमिक इंपैक्ट, डिटेरियोरेटिंग वाटर क्वालिटी इज स्टॉलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सेलरेटिंग पॉवर्टी इन मेनी कंट्री, कई कंट्रियों में गरीबी के हालात ला दिए हैं। द एक्सप्लेनेशन इज दैट व्हेन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, बीओडी बोलते हैं, जो कि फैक्ट्री वालों के लिए 350 है उसमें शीवर में डालने के लिए, लेकिन वो एक जगह तो मैंने ऑब्जर्व किया 42,000 बीओडी रिपोर्ट में आई है, प्राइवेट लैब से मैंने टेस्ट कराई तो, और फैक्ट्री वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा मेरे को फंसाने के षड्यंत्र में। पोल्यूशन फाउंड इन व्हाट, एक्सीड्स ए सर्टेन थ्रेशोल्ड द ग्रोथ इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये पोल्यूशन जो है ना आपके जीडीपी को भी इफेक्ट कर रहा है। ऑफ द रीजंस विद इन द एसोसिएटेड वाटर बेसिन फॉल्स बाय ए थर्ड, इन एडिशन हियर आर सम ऑफ द अदर कॉन्सिक्वेंसेस, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको हम अगली शीटों में देखेंगे। अभी देखते हैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन, ये मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेशन इस पैराग्राफ का दिया है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये अब नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को खराब करेगा वाटर पोल्यूशन, डिप्लेट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड ट्रिगर्स अनब्रिडल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इन लेक्स, और जिसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ये एक और इफेक्ट है इसका। और कंटेमिनेशन ऑफ द फूड चेन, फूड चेन को कंटेमिनेट कर देगा, अब पानी पानी पीने से नहीं, खाने से भी आपकी लाइफ जो है ना एक्सपेक्टेंसी वो कम हो जाएगी। फिशिंग इन पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर से जो मछलियाँ पकड़ेंगे मछुआरे उनको खाएंगे तो उनको कई तरह की बीमारियां लग जाएंगी। एंड यूज ऑफ वेस्ट वाटर फॉर लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जैसे आपकी भेड़े पाल रहे हैं या मुर्गा फार्म है वहां पर भी पोल्यूटेड वाटर जाएगा तो उनके थ्रू फिर ह्यूमन बींग्स में आएगा, और एग्रीकल्चर में भी पोल्यूटेड वाटर जाएगा तो फिर फूड ग्रेन्स के थ्रू वो भी उसमें ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में आएगा। कैन इंट्रोड्यूस टॉक्सिन्स इन टू फूड्स, फूड्स में टॉक्सिन आएगा एग्रीकल्चर के थ्रू, विच आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ व्हेन ईटन, जब उस हम फूड ग्रेन से खाना बनाए खाएंगे तो हमारी हेल्थ को बैडली इफेक्ट करेगी। और तीसरा है लेक ऑफ पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर जो पीने के लायक है उसकी कमी हो जाएगी पोल्यूटेड वाटर के कारण, और कई जगह ये इतनी ज्यादा कमी हो गई है, अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं उससे उन लोगों को रकवा मार गया और उनकी हड्डियां गल गई और वो वहां पे पैदा भी अपाइज हो रहे हैं लोग। गवर्नमेंट उन सेक्टरों की तरफ ध्यान दे, एरियों की तरफ ध्यान दे। द यूएन सेज दैट बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव नो एक्सेस टू क्लीन वाटर, वर्ल्ड में कई देश ऐसे हैं और कई देशों के एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पीने के लिए पोटेबल वाटर नहीं है, सैनिटेशन के लिए नहीं है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, जो देहात के एरिया है उनमें तो है ही। अब नंबर फोर डिसीज, WHO एस्टिमेट्स दैट अबाउट 2 बिलियन पीपल हैव नो ऑप्शन बट टू ड्रिंक वाटर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, contaminated by excrement exposing them to disease such as cholera, hepatitis A and dysentery, इस तरह की बीमारियों को झेल रहे हैं क्योंकि उनको पोर्टेबल क्लीन वाटर मिल नहीं रहा है, जैसा मिल रहा है वैसा पी रहे हैं। जो फैक्ट्रियों ने अपना अनट्रीटेड effluent डिस्चार्ज कर रखा ग्राउंड में उसी को बेचारे को बोर बार के थ्रू पी रहे हैं। ये उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्लास बनाई है पूरे कंटेंट्स कलेक्ट करके। और इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, अभी ये इसका जो है ना लास्ट इफेक्ट है, ये है इन्फेंट्स एंड एडल्ट मोर्टेलिटी। अकॉर्डिंग टू द यूएन डायरियल डिजीज लिंक टू लैक ऑफ हाइजीन काज द डेथ ऑफ अबाउट 1000 चिल्ड्रन ए डे वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में 1000 बच्चे प्रतिदिन वाटर डिशीज के कारण मर रहे हैं। एडल्ट पीपल, जो अपने एडल्ट पीपल हैं, आल्सो डाइंग प्रायर फुल एज, यानी जो उनकी एज जितना जीवन उन्होंने जीना था उससे पहले मर जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी जो है ना कम हो जाती है। इसलिए जो है ना हमारे जितनी संस्थाएं बनाई हैं पोल्यूशन कंट्रोल की,
और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आपस में क्लैशेस ना करके इसको वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें और रिश्वत के दम पर नॉन ट्रीटेड एफ्लुएंट ना डालने दें फैक्ट्री वाले। ये हिंदी में था पॉइंट हमारा शिशु और वेस्ट मृत्यु दर की, हिंदी वाले यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये अब मैं आपको आगे की वीडियो के बारे में बता देता हूँ, ये कंटेंट्स ऑफ कमिंग वीडियो। मैं आप लोगों को गवर्नमेंट्स और एजेंसीज और कोर्ट्स जो इसमें वाटर पोल्यूशन में लगे हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद अगली वीडियो में वर्किंग मोडलिटी ऑफ एचएसपीसीबी की वर्किंग मोडलिटी बनाऊंगा जो कि सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए हो, और वर्किंग मोडलिटी ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जैसे पब्लिक हेल्थ है या एसएसआईडीसी है या हुड्डा है या फिर कोई कमेटी, उनके अपने जो प्लांट्स वगैरह उनकी वर्किंग मोडलिटी के बारे में बताऊंगा। और आगे है वर्किंग मोडलिटी ऑफ स्पेशल एनवायरमेंट कोर्ट, जो स्पेशल एनवायरमेंट कोर्ट बनाई है वो प्रोसिक्यूशन की वो राइट पाथ पे है या फेक कंप्लेंट है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उसी के बेस पर अधिकारियों को पुनिश कर रही है के बारे में बताऊंगा। और लास्ट में मेरे अपने कंक्लूजन होंगे और सजेशन होंगे। ये कम से कम 6-7 वीडियो और आएंगी, सारी सीरीज को देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल जो है ना ये सीरीज बनाई है, रिसर्च बड़ी मेहनत करके बनाई। नेक्स्ट शीट करते हैं, ये हमारे 3 चैनल हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना, यदि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस आए और लोग सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़े और अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए ये सोसाइटीज आप लोगों की काफी हेल्प करेंगी, एफर्ट करेंगी। हर इंडिविजुअल के पास टाइम नहीं है, वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब मिलेंगे हम फिर इस सीरीज की अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।